हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू अबित शिक्षा। टुडेज डेली न्यूज़ कैप्सूल इज ब्रॉट टू यू बाय अबित शिक्षा। सो लेट अस बिगिन। आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है, फर्स्ट, मालदीव्स रूल्स आउट रिसर्च चाइनीज वेसल इन इट्स वाटर। तो कल हम लोगों ने देखा था कि अ चाइनीज वेसल हैज़ अराइव्ड इन मालदीव्स फॉर दी रिसर्च पर्पसेज, बट वो क्या है, हमारे लिए एक थ्रेटनिंग सिचुएशन है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशन रीजन। तो उन्होंने जो है अभी बोला है कि कोई भी रिसर्च जो है वो नहीं होगा। सेकेंड इज ऑन द ईव ऑफ सेंटेनरी, बर्थ ऑफ सेंटेनरी, कर्पूरी ठाकुर नेम फॉर भारत रत्न ऑनर। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के दो बार CM थे एंड ही वॉज अ सोशलिस्ट लीडर, उनको जो है इस बार भारत रत्न जो है दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड इज पराक्रम दिवस। कल जो है हम लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है जयंती, जो बर्थ एनिवर्सरी के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं 23rd of January को, सो पराक्रम दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है ये जानना एंड द ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ द नेताजी, ऑफ आर बिलवड नेताजी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो लेट अस कवर वन बाय वन। फर्स्ट है मालदीव्स रूल्स आउट रिसर्च बाय चाइनीज वेसल इन द वाटर्स। ठीक है, तो यांग होंग 3, ये एक वेसल है जो आपके मालदीवियन वाटर्स, जो इंडियन ओशन रीजन का जो मालदीव्स वाला रीजन है वहाँ पे आया था फॉर द रिसर्च पर्पसेस। ठीक है, ऐसा बोला जाता है, बट हम सबको पता है कि मतलब इफ चाइना इज सेंडिंग समथिंग इन द इंडियन ओशन रीजन, डेफिनेटली पर्पस जो है कुछ ना कुछ डिफरेंट पर्पस जो है वो रहता है एंड ऑलवेज देर इज अ पर्पस ऑफ फाउल प्ले, राइट। सो यहाँ पे जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट नाउ ये क्या बोला गया है, मालदीवियन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि ये जो है अभी कोई भी ये जो है चाइनीज रिसर्च वेसल जो है कोई भी रिसर्च नहीं करेगी इन दी मालदीवियन वाटर। ठीक है, बट जो है बट इट वुड अराइव फॉर अ पोर्ट कॉल इन दी गवर्नमेंट ऑफ मालदीव सेड ऑन ट्यूजडे। ठीक है, सो ये क्या है, अब जो है ये रिसर्च नहीं करेगी, बट इवन दो इट इज़ नॉट रिसर्चिंग, इवन दो इफ दी वेसल इज डॉकिंग मतलब क्या होता है, जैसे पार्किंग होता है कार का, वैसे ही जो है शिप का डॉकिंग होता है। बट अगर किसी भी वाटर में अगर आपका जो है डॉकिंग वगैरह जो होता है तो इट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन एंड पॉइंट ऑफ थ्रेट ऑल्सो। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको जानना है एंड इसी के साथ वी कैन सी एंड वी कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग फ्यू ईयर्स, जो कमिंग फ्यू ईयर्स है यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, मेजर इन्फ्लुएंस इन दी वाटर। ठीक है, मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन द इंडियन ओशन रीजन एंड दैट बिकम्स अ थ्रेट फॉर इंडिया, इंडिया के लिए थ्रेट बन जाता है, इट बिकम्स अ थ्रेट फॉर इंडिया एज हमने जो है हमारे बहुत सारे एसेट्स को हम लोगों ने वहाँ पे डिप्लॉय करके रखा है, वी आर कॉन्स्टेंटली डूइंग समथिंग और दी अदर। ठीक है, हम जो है कॉन्स्टेंटली वहाँ पे विजिलेंस मेंटेन करना कर रहे हैं एंड इन आर इनिशिएटिव ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, हमारा सागर है, सागर मीन्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, ठीक है, इन द इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, सो ये क्या है, हमारा इनिशिएटिव है सागर इनिशिएटिव, जहाँ पे हम पूरे इंडियन ओशन रीजन में हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। ठीक है, इंडिया वांट्स टू बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मैरीटाइम। ठीक है, सो इसके लिए ये थ्रेट बन जाता है चाइनीज वेसल का यहाँ पे आना और डॉकिंग करना। ठीक है, सो इसीलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और बहुत टाइम हम ये देख सकते हैं, हम और भी आगे आते हुए दिनों में भी और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज चाइना और मालदीव्स का जो है फ्रेंडशिप वो बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, चाइना एंड मालदीव्स का जो है फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, सो ये इसीलिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको हमें यू नो वी हैव टू कीप अ टैब ऑन द न्यूज। ठीक है, सो प्लीज डू लुक एट द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ मालदीव्स, चाइना एंड इंडिया और इंडियन ओशन रीजन के यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ठीक है, नॉट ओनली इन इंडियन ओशन रीजन बट ऑल्सो इन द साउथ चाइना सी रीजन, वहाँ पे भी आप देखेंगे आपको स्कारबोरो आइलैंड मिलेगा, पारासेल आइलैंड्स मिलेंगे। ठीक है, तो किसके बीच में जो है किसके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है, तो वो प्लीज़ आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए एंड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इस साल का एग्जाम में, वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट न्यूमरस क्वेश्चन फ्रॉम दीज एरियाज। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन न्यूज़ है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑन द ईव ऑफ बर्थ सेंटिनरी, कर्पूरी ठाकुर नेम्ड फॉर भारत रत्न ऑनर। ठीक है, तो ये कर्पूरी ठाकुर जी जो थे वो बिहार के दो बार के CM थे। ठीक है, उनको जो है इस बार भारत रत्न जो है वो दिया जाएगा। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, ये आप नहीं भूलेंगे, इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, उनको जो है मरणोपरांत मतलब पोस्टमेसली जो है ये दिया जाएगा, अवार्ड जो है ये दिया जाएगा।
ठीक है. अ डे बिफोर बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ फॉर्मर चीफ बिहार चीफ मिनिस्टर एंड सोशलिस्ट लीडर कर्पूरी ठाकुर जी जो थे एक सोशलिस्ट लीडर थे. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन ट्यूजडे अनाउंस दैट ही वुड बी अवार्डेड भारत रत्न इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड. उनको जो है हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ जो है कंट्री जो भारत रत्न है वो दिया जाएगा. उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. ही वॉज अ सन ऑफ अ मार्जिनल फार्मर. ठीक है, ही वॉज अ सन ऑफ मार्जिनल फार्मर फ्रॉम नाई बारबर कम्युनिटी से थे वो. एंड ही वेंट ऑन टू सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ट्वाइस. दो बार जो है उन्होंने बिहार के जो है चीफ मिनिस्टर होने का जो है पद को निभाया बिटवीन 1970 एंड जून 1971 एंड भारतीय एज अ पार्ट ऑफ भारतीय क्रांति दल. ठीक है, एंड लेटर इन डिसंबर 1977 टू अप्रैल 1979 फ्रॉम द जनता पार्टी. ठीक है, जनता पार्टी आफ्टर जो आपका इमरजेंसी का सिचुएशन हुआ उसके बाद. ठीक है, नेम्ड जननायक और पीपल्स लीडर. ठीक है, ही वॉज कॉल्ड पीपल्स लीडर. जननायक जो है उनको बोला जाता है. मिस्टर ठाकुर वॉज अ फ्रीडम फाइटर इन कैरसरेटेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942. तो उनका वो जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में भी उनका जो है हिस्सेदारी देखने को मिला था. एंड हैज बीन सीन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मच ऑफ द सोशल जस्टिस प्लैंक इन पॉलिटिक्स. ठीक है, जो भी सोशल जस्टिस जो हमें देखने को मिलता है बिकॉज ही वॉज अ सोशलिस्ट लीडर. तो उनके वहाँ से जो है हमें बहुत सारे यू नो वेरियस स्कीम्स वेरियस कमीशन ही हैड सेटअप जिसके लिए जो है सोशली जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं उनके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है. ही वॉज द पार्ट ऑफ एंटी इमरजेंसी मूवमेंट. ठीक है, जनता पार्टी से जो है उन्होंने जो है एंटी इमरजेंसी मूवमेंट जो है उन्होंने जो है लड़ा था. एंड वो जो थे वो अदर की सोशलिस्ट लीडर्स के जो है क्लोज फ्रेंड्स थे एस्पेशली ऑफ जयप्रकाश नारायण जी. ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में हम जानते हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी उन्होंने जो है रिवॉल्ट किया था. सो ही उनके भी जो है काफ़ी खास जो है फ्रेंड माने जाते हैं. ठीक है, तो ड्यूरिंग ठाकुर चीफ मिनिस्टरशिप इन 1977 मुंगेरी लाल कमीशन जो है वो उन्होंने अपना सबमिट किया था रिपोर्ट रिकमेंडिंग दैट बैकवर्ड क्लासेस बी रीक्लासिफाइड एज एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस. ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस जो थे उनको जो है रीनेम करके एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का जो है दर्जा दिया जाए. द रिपोर्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1978. दिस पेव द वे फॉर 26% रिजर्वेशन इन दी गवर्नमेंट सर्विसेज इन बिहार. ठीक है, 26% जो है रिजर्वेशन दिया गया फॉर एक्सट्रीमली बैकवर्ड पीपल. ठीक है, दिस रीक्लासिफिकेशन वॉज सीन एज अ प्रीकर्सर टू द मंडल कमीशन. ठीक है, मंडल कमीशन आपको पता है 27% जो है रिजर्वेशन का उन्होंने डिमांड रखा था. सो रिपोर्ट दैट रिकमेंडेड 27% ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब OBC जो है हमारे उनके लिए 27% जो है रिजर्वेशन जो है उनकी मांग की थी इंप्लीमेंटेड इन द 1990s चेंजिंग द फेस ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स फॉर एवर. ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना है. सो इस अगर आप ये पढ़ रहे हैं नाउ इट्स हाई टाइम कि आप इंटीग्रेट करके पढ़ना शुरू कर दें. तो ये प्लीज़ आप मेक श्योर करिए कि आप जब जो आपका आर्टिकल 15, 16 को अच्छे से पढ़ेंगे मतलब फंडामेंटल राइट्स को ही आप एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे जब आप ये टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं. एंड साथ ही जो मूवमेंट्स चले थे जैसे मूवमेंट जितने भी हुए हैं एस्पेशली जो आपके 1990s के बाद हुए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जैसे ये मंडल कमीशन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे. साथ ही इमरजेंसी के प्रोविजंस भी आप पढ़ेंगे. ठीक है, इमरजेंसी के प्रोविजंस भी आप इसी के साथ पढ़ेंगे. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से अभी आपको पढ़ना होगा. ऑल राइट, ओके. द लास्ट न्यूज इज जनवरी 22nd इज नाउ पार्ट ऑफ ए वाइडेंट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन सेज मोदी. तो इसमें क्या है, पराक्रम दिवस के बारे में जो है यहाँ पे बात की गई है. ठीक है, पराक्रम दिवस जो है हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम पराक्रम दिवस को जो है सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, लेट अस सी. ऑलराइट, सुभाष चंद्र बोस वॉज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897. ठीक है, वो जो है उन्होंने कटक में उनका जो है जन्म हुआ था. कटक उस समय जो है बंगाल का ही एक हिस्सा था. सो उनका जन्म जो है कटक में हुआ था बंगाल प्रोविंस टू प्रभावती दत्त बोस एंड जानकीनाथ बोस. हिज जयंती सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस क्योंकि ये क्या दिखाता है हमें, द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलर पेट्रोइटिज्म एंड फियरलेसनेस. ठीक है, फियरलेसनेस बिकॉज ही वॉज सच एन अनफियरफुल फिगर. मतलब उनको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता था. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. एंड स्पेशली जब उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का जब गठन किया था सो ये पता चल गया था कि आज़ाद हिंद फौज जो है वो बाई हुक और बाई क्रुक जो है आज़ादी लेकर ही रहेंगी. सो ये क्या दिखाता है,
एक एक बहुत ही ज़्यादा पेट्रियोटिक नेशनलिस्ट और बहुत ही ज़्यादा फियरलेसनेस एटीट्यूड दिखाता है हमारे नेताजी का, ठीक है। बोस वॉन जी, अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ही हैड ऑल्सो क्लियर्ड द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उस समय जब इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हुआ तब भी उन्होंने जो है एग्जाम क्लियर कर लिया था। सो एंड दैट टाइम वो इस तरीके से एग्जाम नहीं होता है कि यूपीएससी अब एग्जाम का डेट कंडक्ट कराएगी एंड दैट, इट वॉज नॉट लाइक दैट। इसका जो था कि आपको जाना होगा लंडन में आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनको जो है फोर्थ रैंक जो है वो सिक्योर हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब मूवमेंट्स चलने लगे आफ्टर द अराइवल ऑफ गांधी, तो उसके बाद क्या हुआ कि ही हैड रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज और उसके बाद जो है उन्होंने कांग्रेस जो है उसको ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। बोस जो है उनका जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है हरिपुरा में 1938 में वो जीत गए थे। अगेन 1939 में त्रिपुरी में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था वो भी वो जीत गए थे, बट बाद में उन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद गांधी, ठीक है। तो उन्होंने जो है रिजाइन कर दिया था। उसके बाद वो आगे जाके उन्होंने एक नया पार्टी जो है उसका गठन किया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है उन्होंने गठन किया था। द पर्पज वॉज टू कंसोलिडेट द पॉलिटिकल लेफ्ट एंड मेजर सपोर्ट बेस फ्रॉम हिज होम स्टेट बंगाल, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी का उन्होंने जो है गठन किया था। ही रीच जापानीज कंट्रोल सिंगापुर फ्रॉम जर्मनी इन जुलाई 1943, इशूड दैट फ्रॉम देयर हिज फेमस कॉल दिल्ली चलो एंड अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट, ठीक है, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट एंड द इंडियन नेशनल आर्मी ऑन 21 अक्टूबर 1943। द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फर्स्ट फॉर्म अंडर मोहन सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। मोहन सिंह एंड जैपनीज मेजर इवाची फुजीवाड़ा एंड कंप्राइज ऑफ इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी कैप्चर्ड बाई जापान एंड मलायन प्रेजेंट इन मलेशिया कैंपेन एट सिंगापुर, ठीक है। सो ये उनके बारे में है। एंड द INF fought allied forces in 1944 inside the borders of India in Imphal and Burma. In 1945, the British moved to put the Indian National Army men on trial immediately sparked a massive demonstration all over the country. और उसके बाद उनका जो है डेथ में काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज रहा है, वो जो 1945 में जब वो ताइवान जा रहे थे, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ताइवान जा रहे थे तब उनका जो है प्लेन क्रैश हो गया था एंड इट्स स्टिल अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है, अभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है उनका डेथ, ठीक है। तो आपको याद रखना है पराक्रम दिवस हम जो है नेताजी सुभाष बोस के जो जयंती के रूप में हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट डिस्कशन। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।